नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप HDFC और ICICI बैंक से भी लोन ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका सैलरी अकाउंट चाहे किसी भी बैंक में हो और आप किसी और बैंक से भी लोन ले सकते हैं, चाहे आपका वहाँ पर किसी तरह का कोई रिलेशनशिप ना हो। क्योंकि ये सवाल अक्सर कई लोगों के उसमें आता है कि साहब मेरा सैलरी अकाउंट तो फला फला जगह है, लेकिन मुझे दूसरी बैंक लोन क्यों देगी। बिल्कुल लोन देगी, आप इस बात से निश्चिंत हो जाओ। HDFC ICICI बैंक जितनी भी प्राइवेट बैंक है वो आपको लोन देंगी। आपका चाहे अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, चाहे SBI में हो। होता क्या है कि अब उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि यार मैं रीपेमेंट कैसे करूँगा, लोन तो दे दिया, सैलरी अकाउंट वहाँ पर है, अब कैसे रीपेमेंट होगा। देखिए, ये RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली हुई है, जिसको बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट, ईनाश, यानी कि जिससे क्या ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो जाता है आपका पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में। ECS का जनरली इस्तेमाल EMI लेने के लिए ही किया जाता है। आपको अलग से जाके बार बार जाके पैसा डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है ICICI या HDFC बैंक में। आप सिर्फ अपना एक ECS मैंडेट वहाँ पर फिलअप करेंगे और ऑटोमेटिकली जो भी निर्धारित तारीख है उस तारीख को उतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट से कट के आपके लोन अकाउंट जो दूसरे बैंक में है उसमें चला जाएगा। इस तरीके से ये आपका आपको हेडेक खत्म हो जाएगा, आपको किसी तरह का हेडेक नहीं रहेगा, हर महीने ऑटोमेटिकली पेमेंट जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बीच में बता देता हूँ आगे बढ़ने के पहले कि हमारा एक प्रोग्राम है कनेक्टिंग डॉट्स, उसमें आप अगर कोई लोन की लीड्स वगैरह हमें रेफ़र करते हैं तो हम आपको वाकई में बहुत अच्छा कमीशन देते हैं। अलग अलग लोन्स पर अलग अलग कमीशन है, 1-2% तक लोगों को कमीशन मिलता है लोन अमाउंट पर। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जो हमारा जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें या डायरेक्टली कॉल करें, हम आपको बताएंगे किस तरीके से इस प्रोग्राम से जुड़ना है। अब अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है मान के चलिए और आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट SBI में है, तो क्या है, पर्सनल लोन किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मैरिज, हायर स्टडी, प्लॉट खरीदने के लिए, होम रिनोवेशन के लिए, बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए पर्सनल लोन इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि यार मुझे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कैसे मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, HDFC और ICICI बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस हम करवाते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताइए कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, हम सारा प्रोसेस डिजिटली करवाएंगे, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन ही वीडियो KYC हो जाएगी, ऑनलाइन ही हम जब प्रोसेस करेंगे तो आपके घर की और ऑफिस की फील्ड विजिट भी वहाँ के उस बैंक के बंदे कर लेंगे। आज की डेट में पर्सनल लोन पर ICICI में 11.25 से स्टार्ट हो रहा है और HDFC से 10.75 पर। और एलिजिबिलिटी देखिए, अगर यदि आपको हमारे द्वारा लोन लेना है तो आपका सिविल 700 के ऊपर होना चाहिए और सैलरी आपकी 25,000 से ऊपर होनी चाहिए जो कि सीधा आपके अकाउंट में आए। अगर कैश में सैलरी मिल रही है तो हम आपको लोन नहीं करा पाएंगे, सैलरी स्लिप बाकायदा आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और हमसे जुड़े हमारे लोन रेफरल प्रोग्राम में। थैंक यू फ्रेंड।